अगर माइल्ड केस आपको अभी से थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पेशाब रुक रहा है, हल्का हल्का पेशाब रुक रहा है, तो ये घर से चालू कर दो, प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं आगे, वहीं का वहीं प्रॉब्लम रुक जाएगी आपकी। जूस इसमें कोई इतना, अगर आप लेना चाहते हो सिट्रस फ्रूट्स का जूस कोई भी ले लो, विटामिन सी से भरपूर, मौसमी का हो गया, संतरे का हो गया, लेकिन ये पी सकते हो। लेकिन आपको जूस की तरफ ज्यादा देख रहे नहीं है, फल सलाद खाओ कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ पेशाब की जो थैली है उसमें पूरी पेशाब से भरती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। अब उस पेशाब की थैली से पेशाब को बाहर कौन निकालेगा, पेशाब की नाली यूरिथ्रा। अब इन दोनों के बीच में, पेशाब की थैली और पेशाब की नाली दोनों के बीच में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। शायद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या आपको इंडिकेशन दे रहा हूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, तीन बताए। ये तीनों जो आपके यूनिट ट्रैक्ट के मसल्स को स्ट्रांग करती हैं, ताकतवर बनाएगी, पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग बनाएगी। और दोस्तों एक बात और, होम रेमेडी की बात आती है, होम रेमेडी के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट हर्ब और होम रेमेडी फॉर यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर इज, अगर माइल्ड केस आपको अभी से थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पेशाब रुक रहा है, हल्का हल्का पेशाब रुक करना अभी से चालू कर दो, प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं आगे, वहीं का वहीं प्रॉब्लम रुक जाएगी आपकी, चीज के किसी भी हिस्से में सूजन उसको कम करेगी। ये डायुरेटिक नहीं है, ये पावरफुल डायुरेटिक है। एक होता है डायुरेटिक जो नॉर्मल अभी यहाँ पेशाब खुल, ये होता है पावरफुल जबरदस्त शक्तिशाली डायुरेटिक है। पेशाब की नाली में सूजन आ गई, सिकुड़न आ गई, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी स्ट्रिक्चर। दोस्तों ये समस्या कैसे होते हैं पता है आप लोग, अभी घरेलू उपाय बताऊंगा आपको उसका असर 100% देखने को मिल जाएगा, अगर आपने मेरे के अनुसार परहेज कर लिया तो। ये समस्या एक दिन में पैदा थोड़ी होगी कि आपके पेशाब की नाली में क्या एक दिन में सूजन आ गई, एक दिन में सिकुड़न आ गई, एक दिन में क्या होता है, बीमारी कोई भी उसको बड़ा होने में समय लगता है। इस प्रॉब्लम के, इस समस्या के लक्षण आते हैं, लक्षण आपको पता है, कितनी वीडियोस में बताया, आप वीडियोस नहीं देखते हैं, यही कमी आप लोगों की, और आप इसी तरह भटक रहे हैं आगे भी और भटकेंगे, मुझे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप बुरा मानो अच्छा मानो, अभी तक आपको यही नहीं पता कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ये बीमारी होती क्यों है। कितना समझा चुका हूं, आप नहीं समझे भैया, पेशाब की नाली में सूजन आ गई, सिकुड़न आ गई, फिर रिपीट करो, एक दिन में थोड़ी आई, वो धीरे धीरे करके आई ना मेरे भाई, अब ज्यादा हो गई, सिंपल सी बात है, आपकी तो गलतियां हैं, आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, दवाई ले रहे हैं ठीक जा रहा है, दवाई ले रहे हैं 2 महीने बाद दोबारा हो रहा है, बस वही रूटीन पकड़ा हुआ है, 2-3 साल से यही रूटीन कर रहे, होगी यूरिथ्रा में स्वेलिंग सूजन, क्या करोगे बता दो, आपको डायबिटीज है, शुगर है, कह कह के थक चुका हूँ भैया, अगर आपको डायबिटीज है और कुछ पेशाब कभी कभी रुक रहा है, देखिए ये कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि हाँ इन ये यही मेन कारण है, लेकिन संभल तो जाओ, एटलीस्ट अलर्ट हो जाओ, टेस्ट करवा लिया करो हॉस्पिटल जाके मेरे भाई, कुछ नहीं जाता है, डायबिटीज है, पेशाब रुक रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा, जाओ टेस्ट करवा लो, वहम तो मन का मिटा लो। तीसरा, आपके पेशाब की नाली को जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं, इंजरी लग रही है, इंजरी हो रही है, चोट लग रही है भैया, एक महीना हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 5, 1 साल हो गया, बार बार चोट लग रही है, कैसे लग रही है, बाइक चलाते हो, आते हैं बाइक चलाने कैसे आती है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ये तीन रीजन बहुत बड़े हैं, इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तीन मेन मेन कारण मैंने आप लोगों को बता दिए। देखो भैया सिंपल सी बात है, पेशाब की नाली में सूजन आ गई, सिकुड़न आ गई भैया, ये तो फिर नॉर्मल सी बात है, पेशाब नहीं निकलेगा भैया बाहर, सिंपल सी बात है। देखो मैं समझाता हूँ, प्रैक्टिकल मेडिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये यूरिनरी ब्लैडर है पूरा, पेशाब की थैली है, और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड नीचे चिपका हुआ है, और ये आपकी पेशाब की नाली है, ये पेशाब को बाहर निकाल रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए, पेशाब की थैली के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो पेशाब की नाली या यूरिथ्रा है वो पेशाब की नाली, पेशाब की थैली से पेशाब को बाहर कहां से निकालेगी, प्रोस्टेट के बीच में से होके। आप समझे कि नहीं समझे, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, हो सकता है कंफ्यूज हो या हो सकता है मैं ही नहीं समझा पा रहा हूं, थोड़ा दवा को दोबारा समझाता हूँ, पेशाब की जो थैली है उसमें पूरी पेशाब से भरती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, अब उस पेशाब की थैली से पेशाब को बाहर कौन निकालेगा, पेशाब की नाली यूरिथ्रा। अब इन दोनों के बीच में, पेशाब की थैली और पेशाब की नाली दोनों के बीच में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। शायद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या आपको इंडिकेशन दे रहा हूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस समस्या।
जिन लोगों को बार बार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिन लोगों को प्रोस्टेट है बीपीएच, उनको भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है पेशाब के नाले में सूजन होने का। जब किसी इंसान की यूरिनरी ट्रैक्ट की मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाएगी भैया, आपको प्रॉब्लम्स होगी। ये गोक्षुरादि गुगुल एक आयुर्वेदिक टैबलेट है। मैंने बोला उस टैबलेट को ले आओ खाना शुरू कर दो, नहीं नहीं खानी, आयुर्वेदिक अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, सिंपल सी बात कि अच्छी है कि नहीं है। गोक्षुरादि गुगुल एक टैबलेट है जो काफी आपको राहत दिला सकती है, दिला सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए गोक्षादि गुग्गुल का नाम ही आपसे नाम से आपको इंडिकेट होगा, गोक्षादि गोक्षुरा गुग्गुल यानी गुग्गुल, और साथ में पिपली, और भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं जो तीन बताए। ये तीनों गोक्षादि गुग्गुल जो आपके यूनिट ट्रैक्ट के मसल्स को स्ट्रांग करती हैं, ताकतवर बनाएंगी, पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग बनाएंगी। और दोस्तों एक बात और, होम रेमेडी की बात आती है, होम रेमेडी के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट हर्ब और होम रेमेडी फॉर यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर इज गोक्षुरा पाउडर, वन ऑफ द बेस्ट। और भी हैं लेकिन उनकी बात नहीं करूंगा, जो सबसे टॉप क्लास है दैट इज गोक्षुरा। गोक्षुरा इज यूज टू ट्रीट ऑल टाइप ऑफ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको समझना पड़ेगा। गोक्षुरा इज अ नेचुरल डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब पेशाब रुक गया उसको खुल के लाएगा। अगर सीरियस कंडीशन ज्यादा की सीरियस हो गया तो फिर हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा कर लो मेरे भाई। अगर माइल्ड केस आपको अभी से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पेशाब रुक रहा है, हल्का हल्का पेशाब रुक रहा है, तो ये गुक्सा इस्तेमाल करना अभी से चालू कर दो, प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं आगे, वहीं का वहीं प्रॉब्लम रुक जाएगी आपकी। ये काम है गुक्सा का। गुक्सा एंड कंचनार, कंचनार का काम क्या है? सूजन को कम करना, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को कम करना। कंचनार और गुक्सा का काढ़ा बनाकर पीना चालू कर दो, जबरदस्त है, जबरदस्त रामबाण औषधि, अचूक एक राम करके तो देख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों को, कर भी लोगे तो कोई परेशानी है क्या? अब एक भाई ने पूछा इसके कोई अच्छा बेस्ट जूस है, एक भाई ने पूछा था कमेंट करके, जूस देखो भाई जूस इसमें कोई इतना, अगर आप लेना चाहते हो सिट्रस फ्रूट्स का जूस कोई भी ले लो, विटामिन सी से भरपूर, मौसमी का हो गया, संतरे का हो गया, लेकिन ये पी सकते हो। लेकिन आपको जूस अगर ज्यादा देख रहे नहीं है, फल सलाद खाओ कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ गोक्षुरा और कंचनार का काढ़ा पीना है, दैट इज मस्ट, वो नेसेसरी है, वो जरूरी है। कंचनार का काम क्या है? सूजन को कम करना, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन उसको कम करेगी कंचनार की छाल का काढ़ा। और गोक्षुरा मैं बताया, इट इज डायुरेटिक पावरफुल, ये डायुरेटिक नहीं है, ये पावरफुल डायुरेटिक है। एक होता है डायुरेटिक जो नॉर्मल अभी यहाँ पेशाब खुल, ये होता है पावरफुल, जबरदस्त शक्तिशाली डायुरेटिक है। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन है कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।